तो भाई ईद के दिन हर बड़े लोग अपने से छोटे को ईदी देते हैं, जिसको पड़वी बोलते हैं। तो मैंने भी अपना पड़वी ले लिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहि अलहम्द। আল্লাহ তার সত্য গোলাম আমরা করেছিলাম, গোলাম হিসেবে তার কাছে আমরা কাজ করেছিলাম। আজকে সেই প্রতিফল নেবার দিন, আমরা আজকে প্রতিফল নিতে এসেছি। আমরা জানি একটা লোক যখন একটি মাস দীর্ঘ একটি। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज है ईद, और सबसे पहले आप सभी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद, ईद मुबारक। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं मस्जिद जाने के लिए। टाइम मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अभी 7:45 हो रहे हैं, 8 बजे से जमात है। तो फिलहाल अभी हम चलेंगे मस्जिद और वहाँ जाके फिर नमाज अदा करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर ब्लॉग शूट करेंगे। तो ये महीना जो पिछला महीना चल रहा था, रमज़ान का महीना, वो महीना ख़त्म हो चुका है। तो एक तरफ थोड़ी सी दुख होती है कि वो मंथ जो काफ़ी रहमत वाला महीना होता है, वो स्पेशल मंथ होता है, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ ईद की खुशी रहती है, मतलब थोड़ा सा, एक लिए थोड़ा सा मन उदास भी होता है, लेकिन अगले ही पल खुशी होती है, क्योंकि ईद, ईद का रियल मतलब ही होता है खुशी। तो हम लोग की तरफ ईद उल फित्र की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी मस्जिद में, और आप लोग की तरफ कितना बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई होगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, घर से निकलते हैं और फिर मस्जिद चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए साहिद भाई भी अब रेडी हो चुके हैं। साहिद भाई, ईद के ईद मुबारकबाद आप दे दीजिए एक बार। चलिए साहिद भाई की तरफ से भी ईद मुबारक और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहिल भाई भी रेडी हो चुके हैं। साहिल आप बोल, अभी बोल दीजिए ईद मुबारक। तो साहिल भाई भी रेडी हो चुके हैं। देखिए इनका स्लीपर्स बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम झकास। अतः दे दीजिए, साहिल भाई भी लगा लेंगे। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं मस्जिद जाने के लिए, और यहाँ पर ये देखिए ये लोग गाड़ी चलाएँगे अभी। ये देखिए ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। ये गाड़ी चलाओगे तुम लोग? ये कूद गया नीचे। और खाला भी यहाँ पे सेवई बना रही है, देखिए सेवई बन रहा है किचन में सुबह सुबह। और आएंगे हम लोग नमाज वमाज पढ़ के तो खा लेंगे सेवई, ये दूध वाला सेवई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही फजीलत है इस लाइन का, और ईद के दिन स्पेशली ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो हम लोग भी इस लाइन को पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद के लिए। इधर से साहिद भाई, हेलो, चलिए अब हम लोग चलते हैं, टाइम हो गया मस्जिद जाने का। आज इधर सारा दुकान वगैरह आप देख सकते हैं बंद है, रोड बिल्कुल खाली है। चलिए हम लोग चल रहे हैं। तो इस वक्त हम आ गए मस्जिद के पास। ये देखिए मस्जिद पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया गया है, और बहुत से लोग इधर हैं मस्जिद के अंदर। अल्लाह তার সত্য গোলাম আমরা করেছিলাম, গোলাম হিসেবে তার কাছে আমরা কাজ করেছিলাম। আজকে সেই প্রতিফল নেবার দিন, আমরা আজকে প্রতিফল নিতে এসেছি। আমরা জানি একটা লোক যখন একটি মাস দীর্ঘ একটি মাস কোনো কারখানায় কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, একটি মাসের পরে তখন তার মজদুরিকে যখন তার স্যালারিকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তোমার এটা প্রাপ্য, তোমার হক এইটা, দীর্ঘ তুমি একটি মাস তো আমার আন্ডারে তুমি কাজ করেছিলে, সেই প্রাপ্য হকটা যখন সেই বান্দা নিজে হাতে পেয়ে যায়, সারা মাসের দুঃখ কষ্টটা সে ভুলে যায়, সে আনন্দ আত্মহারা হয়ে যায়, সে খুশিতে পাগপাগ হয়ে যায়। কেন না? তার দীর্ঘ একটি মাসের প্রতিফল সে পেতে চলেছে, সে হাতে নিয়েছে, সমস্ত ঘাম ধর্ম কষ্টকে সে ভুলে গিয়েছে, সে আনন্দ করতে করতে বাড়িতে চলে এসে সমস্ত পরিবার কাছে বলে আজকে আমি দেখো সেলারে পেয়েছি, মাইনে পেয়েছি, আমার কর্ম প্রতিফল আজকে আমি পেয়ে গিয়েছি। ঠিক এমনই আমরা
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা ইন্না আল্লাহ হাশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্নালহুম জান্নাহ, আমাদের জান আমাদের মাল আমরা সব সময় আমরা আল্লাহর কাছে দিয়ে আমরা বিলাই করে দেই। আল্লাহ দিকে আসে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলবে, ফেরেশতা তোমরা না বলে দিলে যে এই সে মুস্ত বান্দা আল্লাহ, তুমি এই প্রতিনিধি দলকে তোমরা সৃষ্টি করতে চলো যে আল্লাহ তুমি এরা তো দুনিয়ার মধ্যে ফিতনা ফাসাদ করবে, রক্ত প্রবাহিত করবে, তোমরা বলেছিলে না? তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলে, ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষ্য থাকো সাক্ষ্য থাকো, আমি আজকে ওই সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম যারা একটি মাস রোজা রেখে আমাকে রাজি করে খুশি করার জন্য চেষ্টা করেছিল, আমাকে রাজি করার চেষ্টা করেছিল। এই ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষ্য থাকো, আজকে আমি ওই সমস্ত বান্দাদেরকে মাফ করে দিলাম, ওই সমস্ত বান্দাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের সাথে তিনি তাকাব্বুরের সাথে অহংকারের সাথে আমাদের লিয়ে গর্ব করতে থাকেন, আমাদের লিয়ে ফখর করতে থাকেন। কেন ফেরেশতারা বলেছিল, ইজকাল রাব্বুকা লিল মালাঈকাতি ইন্নী জাআলুন ফিল আরদি খলিফা ক্বালু আতাজআলু ফীহা মান ইয়াশাউ। यहां पे आप देख सकते हैं सब लोग अब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग भी आ गए हैं घर, हम और भाई देखिए अपना R15FZ निकाल के बाहर अब जा रहे हैं घूमने। और यहाँ पे देखिए खाला है, खाला ईद मुबारक, चलिए खाला की तरफ से ईद मुबारक, नानी की तरफ से भी, नानी बोल दीजिए ईद मुबारक, नानी बोल रही सबको ईद मुबारक भाई। चलिए अब साहिल भाई जा रहे हैं, साहिद भाई घूमते, साहिद कहाँ? हाँ खालू को अभी, खालू एक खाली ईद मुबारक, खालू एक खाली ईद मुबारक बोल, ईद मुबारक खालू भी बोल दिए सब। एंड रुखसाना कहाँ है? देखिए रुखसाना यहाँ पे, रुखसाना भी रेडी हो गए। रुखसाना ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक भाई, सब लोग के तरफ से। के दिन हर बड़े लोग अपने से छोटे को ईदी देते हैं, जिसको पड़वी बोलते हैं, तो मैंने भी अपना पड़वी ले लिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जो मेरे से छोटे हैं उन लोगों को मैं भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पैसे अभी ईदी दूंगा उन लोगों को। तो चलिए नीचे चल के ईदी देते हैं सबको। नमाज़ ख़त्म हो गई है, घर पर आ गया हूँ मैं, तो अब बी ए काम बाकी है, इसको भी कम्प्लीट करते हैं इसको। हाँ ना कोई पर भी साहिल भाई, साहिल ला, साहिल ला, ये देखिए साहिल भाई सो के हैं आराम से, रात भर जागे हुए थे इसलिए सोते सोते पर भी ले लिए।